कुमारी तक हमारे पुरखों ने संवारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये संविधान हमारा है। हमारी जब बात थी, जब कश्मीर में आर्टिकल 370 आया, कोई मुसलमान सड़क पे नहीं निकला। एक माहौल बनाया जा रहा है कि पूरे जगह एहतजाज कर रहे हैं, ये जो कानून लाए हैं वो मुसलमानों को परेशान करने के लाए हैं, हिंदू भाइयों के इससे कुछ नहीं होगा। तो हम बता देना चाहते हैं कि जब हमारे ऊपर कानून आया था, आर्टिकल 370 कश्मीर में आया, कोई मुसलमान सड़क पर नहीं उतरा। जब हमारे बहनों पे कहा गया, खातिनों पे कहा गया कि मुसलमान लोग बहुत जाति करता है, ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, कोई भी हमारी बहनें सड़क पर नहीं उतरी। जब अभी राम मंदिर का इतना बड़ा मसला आया, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसको भी हम मुसलमानों ने बहुत ही अच्छे से उसको स्वीकार कर लिया, कोई सड़क पर नहीं उतरे, कोई तरह का एहसास नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ। लेकिन आज हम इस तरह से मैदान उतरे हैं, अगर हमारी माँ बहने घर की दहलीज लांग कर अगर यहाँ में खड़ी हुई है, तो सिर्फ इसलिए हुई है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मामला है। हम इसलिए इस तरह पर आए हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है। एक तरफ बोलो नफरत पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को आपस में बांट देना चाहते हैं, काम इस वन से बता देना चाहते हैं, तुम नफरत पैदा करो, हम मोहब्बत से हरा देने का काम करेंगे। तुम झूठ फैलाओ, हम सत्य पराजित कर देने का काम करेंगे, क्योंकि सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले हम लोग हैं। हम लोग गांधी जी को मानते हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। तो बाबा साहब ने एक हमें सुंदर संविधान दिया है, उसी संविधान के साथ आज छेड़छाड़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। संविधान का भी आर्टिकल 14 की चर्चा लोग कर रहे थे। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी का बराबर का अधिकार प्राप्त है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति से आता हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का मानता हो, अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी को बराबर का अधिकार प्राप्त है। इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का वोट और नंदलाल मांझी जी का वोट का बराबर का अधिकार ही संविधान देता है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो 10 वोट डालेंगे और हम एक आम आदमी हैं तो 1 वोट डालेंगे। संविधान बचाने की ही लड़ाई है। जब संविधान बचेगा तभी हमारा देश बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। इसलिए आज जो भी लोग सड़क उतरे हैं, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमान की एकता बचाने की लड़ाई है। कहते हैं दिल्ली में शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठे हैं, उनके बारे में ये लोग कहते हैं कि जिनके जो मर्द हैं वो रजाई में आराम कर रहे हैं और महिलाओं को शाहीन बाग में छोड़ दिया है। तो हम बता देना चाहते हैं, ए दिल्ली के अमित शाह, मोदी जी सुन लो, ये जो बहनों को कह रहे हो, हमारे माताओं को कह रहे हो, ये नकाब नहीं, यही इनकलाब है। ऐसी इनकलाब में तुमको उठा देने का काम करेंगे, ये बता देना चाहते हैं। आप कहते हैं एनआरसी पर हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अमित शाह कहते हैं कि टंके की चोट पर हम एनआरसी को लागू करेंगे, और अभी कुछ दिन पहले बयान आता है कि अभी तो एनआरसी का फिलहाल कोई चर्चा ही नहीं है। कौन कहता है? वही मंत्रालय से कहा जाता है कि अभी एनआरसी पे हमने कोई फिलहाल चर्चा नहीं किया। तो एक बात सुन लीजिए मेरे भाइयों बहनों, जब कोई जवान लड़का से कोई पूछता है कि शादी का इरादा है तो क्या कहता? फिलहाल अभी सोचा नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो शादी नहीं करेगा, ये एनआरसी लाना चाहता है, इसलिए अभी तक ये नहीं कहा है कि एनआरसी लागू नहीं करेगा, फिलहाल लागू नहीं करेगा। हम लोग लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। ये चाहते हैं कि लोग हिंदू मुसलमान में बंटा रहे। जब तक हिंदू मुसलमान में लोग बंटते रहेंगे, हमारा जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है, हमारा जो सपना है कि मनुस्मृति से इस देश को चलाए, उस सपना देख रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ मंच पर अरुण यादव जी आ जाते हैं, मांझी जी बैठ जाते हैं, तो अरुण कुमार जी बैठ जाते हैं, तो इनको लगता है कि जो मेरा सपना है हिंदू मुसलमान को अलग करके देखने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। इस मंच पर भी हम कह देना चाहते हैं कि आपका जो सपना है वो कभी इसलिए पूरा नहीं होगा, शहादत भी हमारी साथ साथ हुई है, आप कितना चीज को भुला देंगे। आपने मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल दिया, आपने दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया, आप कितने चीजों को बदल देंगे। आप टीपू सुल्तान की तलवार की ललकार को बदलना चाहते हैं, जो कभी हम बदलने नहीं देंगे। आप चाहते हैं कस्बाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, जो एकता के रूप में जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माना जाता है,
आप चाहते हैं कि उनकी शहादत को भुला दें, हम उनकी शहादत को भुलाने नहीं देंगे। अभी बात कर रहे थे फिर अब्दुल हमीद साहब का, जब 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की तरफ से लड़ते हुए 7 टैंक को शहीद करके फिर इसी मातृ भूमि में वो भी कुर्बान हो गए हैं, उनकी अब कुर्बानी को भुला देना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान को भुला देना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे जैसे लोग हैं वो कभी हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप हमारा इतिहास पूछते हो, तुम्हारा इतिहास क्या है भाई? हमारा इतिहास देखना है तो जाओ और दिल्ली के कुतुब मीनार को देख लो, पता चल जाएगा हमारा इतिहास क्या है। हमारा इतिहास देखना है तो जाओ जामा मस्जिद के जाकर देख लो, पता चल जाएगा हमारा इतिहास क्या है। हमारा इतिहास देखना है तो जाओ मोहब्बत की निशानी उस आगरा में जाकर ताजमहल को देख लो, पता चल जाएगा मुसलमानों का इतिहास क्या है। अगर हमारा ही इतिहास देखना है तो जहाँ से 15 अगस्त को जिस लाल किले से तुम झंडा फहराते हो उस लाल किले को जाकर देख लो, पता चल जाएगा मुसलमानों का इतिहास क्या है। अगर हमारा ही इतिहास देखना है तो जिस 26 जनवरी को जिस इंडिया गेट पर तुम परेड कराते रहते हो उस इंडिया गेट को जाकर देख लो, उस इंडिया गेट पर 95,000 शहीदों के नाम लगे हैं, उस 95,000 में 61,395 मुसलमानों का नाम है। इस देश के लिए हमने कुर्बानियां दी है, तुम हमारी कुर्बानियों को भुला सकते कैसा इतिहास पूछते हैं। भाजपा वाले हमेशा झूठ का प्रचार करते हैं। जब पहली बार देश में एक प्रदेश में उसकी सरकार बनी थी तो भाजपा वालों ने नारा दिया था, अभी तो हम एक प्रदेश जीते हैं कल पूरा देश जीतेंगे। कौन कहता था? ये भाजपा आरएसएस वाले कहते थे। लेकिन आज हम कह देना चाहते हैं अपनी माँ बहनों से, जितने नौजवान भाई यहाँ पे खड़े हैं, क्या बकरी बनाना किस मन से आप एक नारा बुलंद कर दीजिए कि जब से तुम CNR चलाए हो एक प्रदेश झारखंड हारे हो, कल रिजल्ट दिल्ली का है तो दिल्ली हारोगे अगर पूरा देश तुमको हराएंगे, ये नारा दे देना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है मेरे भाई, NRC को समझना होगा। एक झूठ का एक माहौल बनाया जा रहा है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भारतीय नागरिकता पंजी, ये मुस्लिम का नागरिकता पंजी नहीं है, भारतीयों का नागरिकता पंजी है। इससे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुजरना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को गुजरना होगा। आपके घर पे भी आएंगे, आप सभी कागज मांगेंगे, जिनका जिनका कागज रहेगा उनका नाम आ जाएगा, जिनका नहीं रहेगा उनका नागरिकता इसमें नाम आ जाएगा। जब ये पहली बार असम में किया गया तो वहां भी एक माहौल बनाए थे कि मुसलमान घुसपैठिया है, बांग्लादेश से घुस गया है, इन लोगों को बाहर निकालना है, इसलिए यहाँ NRC करना होगा। जब NRC असम में किया गया तो 19 लाख लोगों का नाम NRC लिस्ट में आया, लेकिन उस 19 लाख में मेरे भाई सिर्फ 4.5 लाख मुसलमानों का नाम आया, अब 15 लाख के करीब हमारे हिंदू भाइयों का नाम आ गया, तो वहां फिर दिक्कत हो गया। अब क्या करें, एक तरह का माहौल बन गया। वहां के लोगों ने भाजपा नेताओं को RSS के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया, गाड़ी पे भाजपा का झंडा देखा, झंडा दौड़ दौड़ के झंडा पे हमला करना शुरू कर दिया, तो वहां से बुलाए और कहे नहीं नहीं हम एक नया कानून लाएंगे जिससे आप लोगों को नागरिकता दे देंगे। वही नागरिकता संशोधन कानून बनाया CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कि आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी समुदाय सभी धर्म के मानने वाले लोगों को हम फिर से नागरिकता दे देंगे, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को छोड़ देंगे। एक उसमें भी एक बहुत बड़ा लोचा है मेरे भाई, इसको भी समझने की जरूरत है। जब भी हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, मजदूर भाई, किसान भाई मौजूद, हम उनसे बता देना चाहते हैं ये जो कानून लाया गया है ये दलितों के लिए लाया गया है, ये मजदूरों के लिए लाया गया है, ये किसानों के लिए लाया गया है, अब संसद तो बहुत बाद में आएगा। चूंकि अरुण जेटली जी जब जिंदा थे तो उन्होंने कहा था इस देश में 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक इंच जमीन नहीं है, जिसके पास एक इंच जमीन नहीं वो कागज दिखा पाएगा भाई लोग बताइए, तो 38 करोड़ पर ही बाहर हो जाएंगे। फिर एक सर्वे आया इस देश में 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगल में रहने वाले के यहाँ कस्टमरी राइट चलता है। कस्टमरी राइट का मतलब ये होता है वहाँ कोई कागजात नहीं होता है, उस जमीन का जंगल का जमीन का कोई रजिस्ट्री नहीं होता है, सिर्फ अगल और बगल वाले लोगों को पता होता है यहाँ से यहाँ तक हमारा है, इसके बाद उनका है, उसके बाद उनका है, तो क्या 15 करोड़ लोग कागज दिखा पाएंगे, ये भी दिखा नहीं पाएंगे। फिर एक सर्वे कराया गया देश में, 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो घुमंतू हैं, जो जगह जगह घूमते फिरते हैं, जिनके पास कोई कागजात नहीं है, 12 करोड़ वैसे लोग, 15 करोड़ इनके जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं वैसे लोग, और 38 करोड़ वैसे लोग जिनके पास एक इंच जमीन नहीं है, तो क्या कागज दिखा पाएंगे। इनका नजर किसानों की जमीन पर है, इनका नजर आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उस
जंगल की लकड़ी पर है, इसलिए चाहते हैं कि सभी रोग विनाशी लिस्ट मिला दो और जितना भी इनका जो संसाधन है उस पर हम कब्जा कर लेंगे। नागरिकता कैसे देंगे आपको? जैसे एनआरसी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो कहेंगे सीएए के थ्रू आपको नागरिकता दिया जाएगा, तो नागरिकता देने में भी आपको एफिडेविट बनाकर देना होगा। 2014 से पहले हमारे बाप दादा पाकिस्तान से भाग के आए थे या अफगानिस्तान से भाग के आए थे या बांग्लादेश से भाग के आए थे, एक एफिडेविट बना के दीजिएगा तब कहीं आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपका नागरिकता छीना जाएगा तो सबसे पहले आपका एक एक अधिकार यहाँ से छीन जाएगा। आपका वोटर कार्ड वैलिड नहीं होगा, आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा, आपका पैन कार्ड खत्म हो जाएगा, आपका राशन कार्ड खत्म हो जाएगा, आपको जो भी जमीन होगा वो छीन लिया जाएगा, आपको जो भी रोजगार होंगे चेक कर लिया जाएगा, आपका अकाउंट बैलेंस भी खत्म कर दिया गया, पहले सारा कुछ छीन लिया जाएगा तब नागरिकता मिलेगा और कहेगा फिर से आप शुरुआत कीजिए। और नागरिकता देने में एक झूठ बोलना पड़ेगा आपको कि 2014 से पहले एफिडेविट बना के आपको देना पड़ेगा। हम बरसों से इस देश में रहते आए हैं और हमको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा कि 2014 में हम लोग एफिडेविट बना के लिए कि हम इस देश में पाकिस्तान से भाग के आए कि अफगानिस्तान से भाग के आए कि बांग्लादेश से भाग के आए तब कहीं हमको नागरिकता दी जाएगी। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि भारत की एजेंसी ने हमको आधार कार्ड बना के दिया, भारत की एजेंसी ने हमको पैन कार्ड बना के दिया, जिस पैन कार्ड से हम इसको इनकम टैक्स भरने का काम करते हैं। भारत की एजेंसी ने हमको वोटर कार्ड बना के दिया, जिस वोटर कार्ड से हम लोगों ने अपना बहुमूल्य मत दे करके 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और फिर 2019 में उसी वोटर कार्ड से वोट दे करके हम इस देश का प्रधानमंत्री बनाए और अमित शाह को इसको यहाँ का आपको होम मिनिस्टर बनाए। जब हमारा वोट वैल्यू नहीं है मेरे भाई तो तुम्हारा सरकार कहाँ वैल्यू है? आज हम इस मन से बता देना चाहते हैं कि अगर तुम लोग हमको इस देश का नागरिक नहीं मानते हो तो हम भी तुमको इस देश का सरकार नहीं मानते हैं, हम भी तुमको प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। क्योंकि हमने वोट दिया तब तुम प्रधानमंत्री बने, तो हमारा वोटर कार्ड भी वैलिड नहीं है तो हमारा वोट कैसे वैलिड हो गया, तो तुम्हारी सरकार कैसे वैलिड हो जाएगी, ये बता देना चाहते हैं। इसलिए इसको गंभीरता से लेना होगा। इस लाइन बहुत बड़ी है, जितना मजबूती से लड़ेंगे उतना हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं क्योंकि गया में हम लोग धरना दे रहे हैं, आज 44वां दिन है। देश में दूसरा सबसे बड़ा जो धरना चल रहा है वो गया के शांति बाग में चल रहा है, जिसके आयोजक में 3 लोग हैं, उसमें 1 सदस्य मैं भी हूँ। तो वहां कई लोग पूछते हैं हमसे कि वसीम साहब कितने दिन तक ऐसे बैठे रहेंगे हम लोग, ये आखिर धरना से क्या इसका समाधान निकलेगा? तो हम बता देना चाहते हैं कि हम भगत सिंह के मानने वाले लोग बात में होंगे, पहले गांधी के मानने वाले लोग हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अम्बेडकर को मानते हैं, हमारी लड़ाई संविधानिक तरीके से हो रही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो हम भगत सिंह भी बनेंगे और तुमसे लड़ेंगे और इस देश के लिए कुर्बान हुई होने की तैयार भी रहेंगे। तो आज हम बोल देना चाहते हैं जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, 4 हफ्ते का समय आपने और किया है।